रिकॉर्ड कर लेते हैं क्लास को। अरे यार माइक ऑफ कर दो यार। बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। हाँ अभी सर। हाँ सर। हाँ भी लोग आ रहे हैं। अभी भी लोग आ रहे हैं। लिखिए मेरे साथ, चलिए शुरू करते हैं एक नया सीजन, अच्छे से जो आपके एग्जाम में आएगा आएगा, इसको अच्छे से आप लोग को पढ़ना है। और हो सके तो ये वाला वीडियो हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे। एक वीडियो अपलोड किए थे आप लोग के क्लास का, आप लोग बोलते थे, वो भी आया, तो देखे थे? भाई जी, हम तो खोजे हैं पर नहीं मिला है हमको। तेईस देखे थे सर, तेईस को हमको जो अपलोड तो किए ना, मिला ही नहीं है। तेईस को जो अपलोड किए ना, वही है, तुम देखना, उसमें लिखा हुआ है कि 5 नंबर या 10 नंबर यहाँ से। आप ग्रुप में लिंक सेंड करिएगा, ठीक है, आप दो ग्रुप हजार में लिंक सेंड करिएगा, उसका ओके हम ओके देखेंगे। ओके, लिखो मेरे साथ अब 2011 जनगणना। अब यहाँ पे आप लोग माइक ऑन करके मेरे साथ बताओ पहले कि कितने लोग नए लोग हो, उनको समझ में नहीं आएगा अरे ना। सर, आप अच्छे हम सर, हो ना। हम भी नए हैं सर, हम हम भी भी नए हैं। नए, ठीक है, हाँ सुनो सुनो, जितने भी नए लोग हो, जितने भी नए, उनको टेंशन नहीं लेना है। जो आपका क्लास छूट गया है, वो आपका क्लास रिकॉर्डिंग चला जाएगा, पहली बात रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। दूसरी बात, ये कोई बड़ी इशू नहीं है, 8 घंटे का क्लास हम संडे को लेंगे, 8 घंटे। और इस वीक में जो भी नए लड़के आए हैं, जो भी नए लड़के, वो मेरे साथ पूरा दिन आपको पढ़ना हो, जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो जो आपका छूटा हुआ है, सारा का सारा हम आपको क्लियर करवाते जाएंगे। तीसरी बात, इससे भी आपको यदि ठीक संतुष्ट, है सर। अरे बोलने तो दो, इसके साथ आपका कोई भी स्टूडेंट, आपका सहपाठी जो आपके साथ ग्रुप में है, जो स्टूडेंट पहले से लिखा हुआ है, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से आपके लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो आपको, उनसे मांगिएगा, वो आपको नोट्स दे देंगे, वो आपका फोटो खींच के दे देंगे, सारा का सारा उनसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है? अब बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा का सारा अच्छे से कर देंगे। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं ये हम आपको बताते हैं, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग देखो, एक मिनट, हम लोग पढ़ रहे हैं जीके। जीके में कौन सा जीके पढ़ रहे हैं? स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके, इसमें क्या होता है कि इसमें आपका बीएससी में 10 मार्क्स का कन्फर्म होता है, बीए वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए 40 मार्क्स का, ये बीकॉम वालों के लिए 40 मार्क्स का सवाल आता है, और बीए वालों के लिए 50 मार्क्स का सवाल आता है, स्टैटिक जीके से। सिर्फ स्टैटिक जीके जो है, ये ऐसा जीके है जिसको सिर्फ आपको रटना होगा, कोई ट्रिक नहीं, याद करने का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जितना आप रटिएगा उतना आपको याद बीबीए होगा। सर, बीबीए वाला का? बीबीए वालों के नहीं लिए नहीं ये, बीबीए बीबीए सर, बीबीए वाला को ये 15 15 से 20 नंबर का आता है। बीबीए वाले का सिलेबस एक बार भेजे थे ना, ऐसे फिर से हम आपको, हाँ, रीजनिंग मैथ, 15 से 20 नंबर का इसका भी आता रीजनिंग है मैथ अंग्रेजी और जीके। जीके, तो हम इसका भी 15 से 20 नंबर का आता है, ऐसे हम एक बार फिर से अपने यहाँ पे देख के हम आपको भेज देंगे क्या इसका सही सिलेबस है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए नए लड़के कि क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं। यस सर। हाँ, समझ में आ गया सर। हाँ, अब स्टैटिक जीके में जो छूट गया सो तो छूट गया, नया करते हैं। 2011 जनगणना के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है, जनगणना 2011, 2011 में हर एक 10 साल पे जनगणना होता है, तो 2011 की फिर लोग आ रहे हैं, क्लास डिस्टर्ब करने वाला की कमी नहीं है, अभी भी 10 लोग हैं जो सर, एक टाइमिंग इतना दो से इतना देर में एंट्री होगा बोल के। 2011 जनगणना के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट है, सवाल आएगा एकदम 100% है कि सवाल आएगा, तो इसको आपको रटना, जितना भी आज तक का टॉपिक मैं आपको पढ़ाया उन टॉपिक्स में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी एक टॉपिक है, क्योंकि देखो 2021 का जो जनगणना होने वाला था वो तो अभी तक नहीं हुआ है, इसका शुरुआत होने जा रहा है, गजब हाल है। देखो जिनको डाउट बोले हो, जिनको कुछ डाउट हो, माइक से। जिनको कुछ डाउट हो मेरे साथ बताना, माइक ऑन करके बताना, हम आपका सॉल्व कर देंगे। यही एक फायदा है गूगल मीट पे पढ़ाने का कि आप मेरे साथ बोल सकते हो, एक क्लास वाली फीलिंग आवाज आपको नहीं आ आएगी। रही आवाज़ नहीं जा रही है?
हेलो। आ रही है सर, आ रही है आवाज, आ रही है आवाज, आ रही है सर। तो 2011 जनगणना, जनगणना में सारा इम्पोर्टेंट क्या क्या है, तो पहला नंबर लिखो मेरे साथ, पहला नंबर लिखो, लिखो मेरे साथ सर क्लास कुछ बीत चुका है का? हम अभी ज्वाइन हुए सर, ना, कुछ ना बीता। मेरा अभी अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक, ओके। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, जनगणना हम आपको पढ़ा रहे हैं 2011, एकदम इम्पोर्टेंट है कि मोस्ट वीवीआई। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, ऐसे तो देखिए पांच राज्य हैं पर हम आपको शुरू का दो बताएंगे, शुरू का तीन बता देते हैं, आप तीन याद कर लीजिए। ठीक है, पहला नंबर में उत्तर आपको, प्रदेश महाराष्ट्र है ना हाँ पहला नंबर में आपको लिखना है उत्तर प्रदेश। सर? पाला यूपी। हाँ अरे हाँ बता रहे हैं भाई, ठीक है। दूसरा नंबर लिखना है महाराष्ट्र, और सी नंबर, तीन तीन हम आपको बताते चले जाते हैं, तीन तीन ठीक है, बिहार। सर, पर देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पर क्लास है तो कहीं कोई चलते टोक दे तो बेइज्जती ना हो, इसलिए हम बता देते हैं। यहाँ पे सारे पूरे भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश में 16% रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि भारत की जनसंख्या 100 व्यक्ति है तो उसमें 16, 16.5 व्यक्ति जो है, 16 व्यक्ति हैं वो सिर्फ यूपी में रहते हैं, यूपी में रहते हैं। महाराष्ट्र में कितने व्यक्ति रहते हैं? 9.28%। ये आपके एग्जाम में नहीं आए, भाग खराब हो तो यदि आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत की रहती है 2011 जनगणना के अनुसार, तो 16.5%, महाराष्ट्र में 9.28%, और बिहार में जो आपका रहता है, और ये इम्पोर्टेंट है, वो दोनों याद मत करना, पर ये आपका वीवीआई यहाँ पे लिख दो, ये बिहार वाला आपको याद कर लेना चाहिए। बिहार वाला हो सके हम बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो बिहार वाला पूछ दे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा जूम आ है, अब दिखाई दे रहा है, बताओ तो सही से। ठीक हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। है, यह सब दिखाई दे रहा है। ठीक, दूसरा, दूसरा लिखो, फिर जब सर्वाधिक जनसंख्या होगा तो न्यूनतम जनसंख्या भी पूछेगा, तो लिखो भारत के न्यूनतम मतलब समझते हो ना? सर कम से कम, कम कम से कम। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, ठीक आसाम है ना सर पहला राज्य? है, ए नंबर में असम लिखो ना है पहला राज्य? सिक्किम, बी नंबर में लिखो, सिक्किम। हाँ बी नंबर में लिखो मिजोरम, मिजोरम सिक्किम, मिजोरम। मिजोरम, तीसरा लिखो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये एकदम इम्पोर्टेंट है। सिक्किम के बारे में बस इसका देख लो कि कितनी सबसे कम है सिक्किम, तो कितनी जनसंख्या, तो यहाँ पे 0.0, मात्र 0.05% आदमी रहता है। यदि इंडिया में 100 आदमी है, 100 आदमी है, तो इसका 0.05% आदमी रहता है सिक्किम में मात्र। समझ गए यहाँ तक? न्यूनतम मैक्सिमम सर्वाधिक जनसंख्या वाला बता दिए कि सर्वाधिक, अरे यार माँ, सर्वाधिक जनसंख्या वाला बता दिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ना मन है क्लास करे के, भाई ऑफ कर देते हैं माइक यार। तो एक लड़का, वो मैं खोला हुआ है इसी। हम तो और बंद कर दिए सर। ठीक है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सिक्किम हो गया। तो अब देखिए, अब यदि सवाल पूछे इससे ज्यादा नहीं, आपका उत्तर प्रदेश ऐसे बिहार की क्या पोजीशन रहा, तो तीसरा पोजीशन पे रहा बिहार, तीसरा पोजीशन जनसंख्या वृद्धि के मामले, जनसंख्या के मामले में कौन से पोजीशन पे, तो तीसरा, थर्ड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे बिहार है, पहला पे उत्तर प्रदेश, दूसरा पे महाराष्ट्र, तीसरा पे बिहार। बिहार में 2011 जनसंख्या के अनुसार कितने परसेंट जनसंख्या रहती है? तो 8.6%।
न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आपका सिक्किम है। जब कोई कंफ्यूजन हो तब माइक ऑन करो, ठीक है। अब देखो, यदि पूछ दे यूपी, यूपी की जनसंख्या ना पूछेगा, यदि पूछ दे तो इसका लिखो 19,98,12,341 यूपी का ये जनसंख्या है। और न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का बता देते हैं, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का सर थोड़ा फिर से बोलिए तो। क्या, यूपी का 19,98,12,341, इसका लिखो 6,10,577, मात 6,10,577, ये सिक्किम का जनसंख्या, ये हम आपको जनसंख्या बता रहे हैं, ये जनसंख्या बता रहे हैं, ये आपको हम जनसंख्या बताए हैं, ठीक है। आगे बढ़े, इम्पोर्टेंट यही है कि न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का है, सर्वाधिक जनसंख्या आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में 16.5% जनसंख्या निवास करती है, बिहार में 8.5%, 8.6% जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम का। इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट यहाँ जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखना भी मेरे साथ, स्क्रीनशॉट भी लेते जाना। आ जाओ, लिखो अगला, लिखो तीसरा नंबर पॉइंट है ना, लिखो अगला, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य, ये देखो, ये हम जो इम्पोर्टेंट होगा हम बताते जाएंगे, ये कुछ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर हम बता दे रहे हैं। दशकीय वृद्धि कहने का मतलब हुआ कि पर 10 साल में किस रेशियो से वृद्धि सबसे ज़्यादा, जैसे कि हम 2001 में 10 रुपया लाए, 2011 में हमारे पास 100 रुपया हो गया, एक लड़का आप ही लोगों में से 10 रुपया था, पर 2000 जब 11 में उसका, बोले अब जी भाजी बोलिए ना, बोल दीजिए ना उसका, नहीं तो बैंक माइक बंद। तो देखिए, दशकीय वृद्धि कहने का मतलब हुआ कि 2001 में, 2001 में यदि हम 10 पे थे, 2011 में वापस जब जनगणना हुआ तो हम 100 पर आ गए। यही बात है कि कोई लड़का है आप लोगों में से ही, उसके पास भी 10 था, और 2000 जब 11 में तो उसके पास 80, तो कौन ज्यादा बढ़ा, दशकीय वृद्धि किसका ज्यादा हुआ, ये मेरा हुआ या आपका हुआ? आपका हुआ सर, मेरा हुआ, क्योंकि हम आपका 100 पर आ गए। वही है दशकीय जनसंख्या में, दशकीय वृद्धि सबसे ज्यादा जनसंख्या में, यहाँ यहाँ लिख सकते हैं आप, सर्वाधिक जनसंख्या में, यहाँ पे हम छोड़ दिए हैं, आप लिख लीजिए जनसंख्या में दशकीय वृद्धि, मतलब दशकीय कहने का मतलब 10 सालों में कितना वृद्धि हुआ, 10 सालों में किसका सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ। तो ए नंबर पे मेघालय, मेघालय, मेघालय का दशकीय वृद्धि बहुत ज्यादा हुआ, कितना हुआ नहीं पूछेगा पर हम आपको बता, 27.9%। दूसरा लिख लो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश दशकीय वृद्धि, अरुणाचल प्रदेश, देखो दूसरा भी नहीं पूछेगा, यदि बहुत किया दशकीय वृद्धि, यदि पूछ दिया ये सवाल, पूछ दिया मन उसका सीधी सीटी तो पूछ सकता है, यदि दशकीय वृद्धि वाला सवाल पूछ दिया तो ये मेघालय सिर्फ याद कर लेना, ये सर्वाधिक वाला में, सर्वाधिक वाला में, ठीक है। तो न्यूनतम भी होगा, जहाँ सर्वाधिक होगा वहाँ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि भी होगा, तो न्यूनतम लिखो, न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले राज्य, दिखाई दे रहा है ना। तो देखो, कोई कोई ऐसा लड़का है ना जो माइक, ऑन भी करता है ना, तो उसका पता नहीं चलता है कि माइक ऑन है। जैसे एक जो लड़का भी है जो बोलते हैं हाँ भाई जी, भाई जी बोलते हैं उनका, देखो ठीक है हाँ बोलते मुकुल जी, हैं, सर मुकुल जी बोलते हैं तो उनका आवाज नहीं आता। हाँ एकदम, जो बात बोलते हैं वो बात आया, बाकी कहानी खत्म। अब एक कोई लड़का होता है जो बगल में कुछ
कुत्ता सियार बाघ भैंसा सब भूकते रहता है, वो बोलता कम है, अगल बगल वाला ज़्यादा आवाज आता है। तो न्यूनतम दस की वृद्धि वाले राज्य कौन से हैं, तो पहला नंबर पे ये भी आ जाएगा, तो लिखना नागालैंड, 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 ठीक है। दूसरा नंबर पे केरल, ये देखता है ये दोनों जो राज्य है पढ़ाकू राज्य है, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि कम होगा, शिक्षित लोग रहते हैं 4.9%, ठीक है। अब इससे सवाल पूछेगा तो नागालैंड ही पूछेगा, एकदम जो पूछेगा, हम लोग को प्रोफेसर नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, जो एग्जाम में पूछेगा वो हम आपको सीधे करवाते जा रहे हैं। तो न्यूनतम सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मेघालय को आपको याद कर लेना, मेघालय, न्यूनतम दस की वृद्धि वाला राज्य नागालैंड को सिर्फ याद कर लेना है। क्लियर है यहाँ तक सर? वहाँ पे नेगेटिव साइन मतलब जितना भी था उसका इतना प्रतिशत घट गया, घट गया दस की वृद्धि, पिछला साल दस की वृद्धि उसका हुआ था उसमें और माइनस हो गया, यहाँ पे आपको लगा होगा कि आदमी इसमें नहीं, दस की वृद्धि कहने का हम क्या बताएं कि हम 2001 में क्या थे और 2011 में क्या हो गए। यदि 2001 में हमारे पास 10 रुपया था और 2011 में हम 1 रुपया हो गए, तो क्या मेरा माइनस हुआ या नहीं हुआ, ये बात हो रहा है कि 2001 में माइनस क्यों नहीं, नीचे वाला में माइनस क्यों नहीं हुआ, नीचे वाला ओके सर, क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ गया। नीचे वाला में केरल में 4.5 की न्यूनतम पहले, अरे यार पहले कुछ और था जिसमें 4.9, इसमें -0.6%, मतलब न्यूनतम तो हुआ कम हुआ है, इसमें भी दोनों में कम हुआ है, नागालैंड वाले में भी कम हुआ है जनसंख्या, केरल में भी कम हुआ है, नागालैंड में माइनस में जनसंख्या कम हो गया। बिहार में कितना वृद्धि हुआ सर? बिहार का नहीं है, बिहार का इसमें नहीं है दस की वृद्धि, मेरे पास इसका डाटा नहीं है, ठीक है। बिहार तो प्लस में होगा सर, वृद्धि क्या होगा था, और बिहार हमारा बिहार जल जीवन हरियाली वाला बिहार है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाइए जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में। सर आवाज कट रहा है, आवाज कट रहा है सर्वाधिक जनसंख्या तो क्रोध भरवित रहा तू ना आकर के, क्या करें बताइए, सबका हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते है ना, पैसा लाचार है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, ठीक है, तो पहला पे आता है सबसे इम्पोर्टेंट गोवा है ना सर, भी आई है आपका, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें सबसे पहला जो है आपका वो बिहार, इसमें कितना बिहार सर, हाँ 1106 व्यक्ति रहता है। अब जनसंख्या घनत्व का कोई मतलब समझा सकता है? किलोमीटर में हाँ सर, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास कर, जैसे कि एक ये देखो ये है, ये हमारा फील्ड का टुकड़ा है, यहाँ 1 किलोमीटर सर, आवाज घिस भी जा रहा, देखिए ना क्या हो रहा है भाई, आवाज भाई नहीं सही जा रहा है, बताओ यार कोई, हम लोगों को क्लियर आ रहा है, हम लोगों को क्लियर आ रहा है, हम लोग को क्लियर आ रहा है सर, हाँ आ गया, नेटवर्क भी ठीक है मेरा, माइक ऑन करने से होता है यार, पढ़ा रहे क्लास, डिस्टर्ब मत करो। देखो जनसंख्या घनत्व कहने का मतलब हुआ कि ये 1 किलोमीटर का एक किलोमीटर का ये एरिया है, 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर स्क्वायर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना व्यक्ति रहेगा, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितना व्यक्ति रहेगा उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहता है, 1106 व्यक्ति औसत, ठीक है। दूसरा किसका है आपका पश्चिम बंगाल, दूसरा पश्चिम बंगाल, इसमें कितना रहता है आपका 1028, ये बस बहुत है,
तीसरा केरल है, तीन तीन लिख लो। तीसरा आपका केरल है, केरल में 860, ठीक है। ये भी आई है जनसंख्या घनत्व और बिहार, ये जनसंख्या घनत्व और बिहार ये एग्जाम में आएगा। देखो एग्जाम का कोई लिमिट नहीं है, जीके समंदर है। अब कहाँ से एक लोटा पानी निकालेगा, अंटार्कटिका से निकालेगा या प्रशांत महासागर से या हिंद महासागर से, तो पांचों महासागर को पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये क्या लिखे हैं, नौवां नंबर लिखे हैं, ए नंबर लिखे हैं, बी नंबर। आओ न्यूनतम जनसंख्या, जब पढ़े हैं तो ये भी पढ़ लेते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है। न्यूनतम जनसंख्या लिख रहे हो ना मेरे साथ, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। एक काम आओ करना, हम आपका आज जो एडमिन ओनली एडमिन किए हुए हैं वो आपका आज खोल देंगे, फिर से आप लोग आज हम आपका पक्का काम कर देंगे जो हम आपका काम लिए हैं। ईमेल आईडी सब अपना भेज देना, सिर्फ लिख कर, जितने भी लड़के लड़कियां देख रही है, जैसे मेरा ईमेल आईडी है कांत कृष्णा और आगे भी है, तो ये जो ईमेल आईडी है, कुछ हालतू फालतू मैसेज नहीं कि हाँ भेज दिए सर, ये कर दिए सर, वो कर दिए सर। क्या करना, हम खोलेंगे, एक लड़का ईमेल आईडी लिखेगा कहानी खत्म, दूसरा लड़का ईमेल आईडी लिख के भेजेगा, दूसरा मैसेज हेलो हाय बाय कुछ नहीं, अपना ईमेल आईडी भेजिए, बस चुप हो जाइए। अपना ईमेल आईडी सब लोग, लड़के लड़कियां सभी लोग जो भेज भी दिए हैं, सभी लोग ईमेल आईडी अपना आप भेज दीजिएगा, हम आपका ईमेल आईडी चढ़ा देंगे, जिससे आप क्लास में खुद आ जाइएगा। आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्लास में आप इंटर ले लीजिएगा, तो आप कुछ नहीं एक्स्ट्रा कोई मैसेज नहीं कीजिएगा, जिससे कि मेरे को दिक्कत हो, तो हम जल्दी जल्दी सबका ईमेल आईडी चढ़ा देंगे। न्यूनतम ठीक है, भेज दीजिएगा ना ग्रुप में, तो हम नहीं है जुड़े हुए सर। कौन नहीं भेज देंगे सर, के वो जो आप लिफ्ट हो गए थे। हाँ सर, हाँ तो अब दो तीन दिन खुद लिफ्ट हुए हैं, तो दो तीन दिन में अभी हम ऐड भी करेंगे, तो नहीं ऐड हो पाइएगा आप। व्हाट्सएप दूसरा नंबर सर बोले थे, दिए थे हम, चलिए हम कर देंगे, ठीक है कर देंगे आपका दूसरा नंबर। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जनसंख्या घनत्व सबसे कम यहाँ, मतलब अरुणाचल प्रदेश में ना, जैसे कि बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहता है, तो अरुणाचल प्रदेश में वही 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र 17 व्यक्ति रहता है, सोचो। दूसरा मिजोरम, कितना बिहार का जनसंख्या है। कोई यदि सरकार को गाली दे रहा है कि सरकार ये नहीं करती है, सरकार वो नहीं करती है, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। आपके ही घर में देखो, यदि आपके पिताजी हैं और आप 3-4 भाई बहन हैं, तो जिसका 2 भाई बहन है उसको ज़्यादा प्रॉफिट है, जल्दी से 1 शर्ट लाएगा, 2 शर्ट लाएगा तो दोनों को दे देगा। अब पिताजी को 4 शर्ट लाना है, अब पिताजी कमाते हैं 5,000 का महीना, यदि पिताजी के पास 2 बच्चा रहता तो दोनों को दे सकते थे, अब 4 बच्चा है तो जहाँ 2,000 का शर्ट पेंट लगेगा वहीं 4,000 का शर्ट पेंट लगेगा। यही बात होता है, पॉपुलेशन सरकार कैसे देखेगी, आप ही अपने घर में देखिएगा कि बड़का बेटा के मिला तो छोटका बेटा को नहीं मिला, छोटका बेटा को मिला तो मंझला को नहीं मिला। मेरे साथ होता है कि मेरे अब तो हम कमाने लगे खुद, तो क्या दिक्कत है, नहीं तो पहले मेरे को मिलता था तो मेरी दीदी को नहीं मिलता था, मेरी दीदी को मिलता था तो मेरे को नहीं मिलता था। तीसरा सिक्किम, एक देखे होंगे वेब सीरीज है पंचायत 86, पंचायत वेब सीरीज कोई देखे हैं सिक्किम का सर? ये सब देखने वाला चीज आप लोग देखते नहीं, पंचायत वेब सीरीज देखिए कितना अच्छा है उसमें। लिख लिए ये वाला न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो एक नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, 2 पे मिजोरम, 3 पे सिक्किम। जी सर हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। मिजोरम का बताइएगा कितना है, किसका 52, मिजोरम 52 52। अब जो क्लास नहीं कर रहे हैं पैसा तो दे दिया, एक एक ऐसा ऐसा लड़का आता है गजब गजब। एक लड़का कल क्या किया कि पेटीएम का फेक स्क्रीनशॉट भेजता है, फेक स्क्रीनशॉट, तो 350 रुपया का फेक स्क्रीनशॉट दे दिया, बोला सर हम पेमेंट कर दिए, मेरे ग्रुप पे ऐड कर दीजिए। हम देखे तो हाँ पेमेंट कर दिया होगा,
जब अपना बैलेंस चेक किया तो उसमें बैलेंस ही नहीं, 350 भर के नहीं आ रहा। कहे कहाँ पे भेजा, तो पेटीएम पे, पेटीएम पे गया तो वो लड़का का कोई नाम निशान नहीं है। गजब। एक क्या बोला कि सर आप फ्रॉड कर रहे होंगे तो हम कैसे विश्वास करें कि आप क्लास चलाते हैं, आप फ्रॉड करते होंगे। तो कहे कि मतलब जब फ्रॉड लग रहा है तो मतलब, तो ऐसा ऐसा इंसान मिलता है। आप लोग को भी लगा था कि फ्रॉड वरॉड हो रहा होगा पैसा का? नहीं सर, नहीं सर, हमको तो नहीं लगा। कहा कि उतना उतना सब्सक्राइबर है उसलिए भैया देखे थे, विश्वास पर ही होता है सब चीज। 54 के सब्सक्राइबर है तो फ्रॉड तो नहीं निकल सकते हैं। ऐसा ऐसा बात सब बोलता है ना कि फ्रॉड होंगे, तुम्हारा 350 रुपया लेके फ्रॉड हो जाएंगे। अब मेरे बारे में कौन जानता है, सब तो हम बता दिए, खुला खाता मेरा है, बीएन कॉलेज में पढ़ते हैं सब कुछ। तो आप क्या चाहिए, ज्योग्राफी से ऑनर्स कर रहे हैं, तुम्हारा 350 लेके आए, ट्रेन पकड़ के आना, बीएन कॉलेज में रोल नंबर बोल देना, कृष्णा कांत ज्योग्राफी ऑनर्स, बता देगा मेरा पूरा बायोडाटा, बता देगा मेरा घर कहाँ है, मेरा माए बाप कौन है, उसके बाद पुलिस नहीं हो जाएगा जाने में। अरे उसके बाद नहीं, जब आदमी के आ जाए कि नहीं हम नहीं तो तुम, आज तुम सम्मान पे आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। सर आप प्रॉपर कहाँ से हैं? हम प्रॉपर पटना से ही, मेरा जिला पटना है भाई जी। लिंगापात क्या मतलब नहीं समझ पाए? बताते हैं बाले पांच बाले राज्य, लिंगानुपात कहने का मतलब देखो, ये हम हैं, आइए लड़की एक है, अब हम दोनों तो ठीक है तो शादी हो गया तो एक एक लिंगानुपात सही है। अब यदि हमारे जैसा जैसा 1000 लड़का आ जाए, 1000 लड़का आ जाए और लड़की मात्र 900 रहे तो 100 लड़का का ब्याह नहीं ना होगा। 1000 लड़का है, 1000 पे गणना होता है, इसलिए हम 1000 का उदाहरण दे रहे हैं, और 900 लड़की है, तो यही होता है लिंगानुपात कहने का मतलब, लड़का बराबर लड़की, लड़का बराबर लड़की, लड़का बराबर लड़की। अब बच गया मतलब 1000 में 100 लड़का बच गया तो जो लिंगानुपात हुआ वो 900 हुआ, मतलब कि 1000 लड़का पे कितनी लड़की है। 1000 कहीं कोई राज्य में यदि 1000 लड़का है तो उसके लिए कितनी लड़की बनी है, वो हुआ आपका लिंगानुपात। अब देखो लिंगानुपात किसका ज्यादा है किसका कम है वो बताते हैं। अब ऐसा चीज हम गोल गोल कर दिए कि मिटेगा भी नहीं, फिगर मिटता भी नहीं है। चलो पहले सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य में लिखो, सबसे पहला है केरल। ये क्या हो रहा है, चलो लिखो, पहला में लिखो केरल, पहला में लिखो केरल। केरल का लिंगानुपात कितना जानते हो? 1084। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? 1000 बॉयज पे इतना गर्ल्स है 1084। हाँ, यदि केरल में 1000 लड़का है तो वहाँ 1084 लड़की है, वहाँ दिक्कत नहीं है। 84 लड़की फालतू, वहाँ तो दिक्कत हो जाएगा सर। कैसे दिक्कत हो जाएगा, तुम्हारा शादी आराम से है, लड़की एक तरह से जाएगी। हम लोग बिहार से जाएंगे ना सर। हाँ। भाई जाएगा, सेट हो सकते हो। दूसरा बिहार में कम ना है, दूसरा तमिलनाडु। बिहार का कितना है? 933। बिहार का देखो तो सर्च करो तो 933 मेरे को याद लगता रहा, 933 या 920 बिहार का सर्च करना। तो कोई बिहार का ये इम्पोर्टेंट है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, ये मेरे को अभी 933 देखो कोई सर्च करो, गूगल करो कि बिहार का लिंगानुपात कितना है, इम्पोर्टेंट होगा उसका, बिहार का आएगा एग्जाम में। सी लिखो, तीसरा लिखो आंध्र प्रदेश। 918 है, 918 बिहार का लिंगानुपात याद करना, बिहार 918 लिख के लिख देना, बिहार मतलब बिहार। यस सर, 918। हाँ तो बिहार में 80 इधर 82 लड़का ऐसे ही रह जाएगा, उसमें एक हम रहेंगे। आंध्र प्रदेश अभी तो 290 दिखा रहा, अभी 290 दिखा रहा, अभी के हिसाब से हरिद्वार जाएंगे सर।
अभी 1090 दिखा रहा है सर, 1090 वर्तमान के अनुसार से 1090 ये 2011 के अपडेटेड वर्जन में 2011 का जनगणना ठीक है 2011 के अनुसार से देखते हैं। आंध्र प्रदेश का लिखो, सर्वाधिक लिंगानुपात आंध्र प्रदेश का 993 ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। नेक्स्ट लिखो तो न्यूनतम लिंगानुपात भी चाहिए, जब मैक्सिमम है तो मिनिमम। जी हाँ सर, बिहार का 918 है 2011 की जनसंख्या अनुसार। हाँ वो याद कर लेना, 2011 के जनसंख्या के अनुसार 918 बिहार का लिंगानुपात 918 ठीक है। हाँ न्यूनतम लिंगानुपात बाला राज्य ठीक है, तो इसका ए नंबर कौन है, ए नंबर में लिखो हरियाणा। लिंगानुपात कम होने का रीजन क्या हो सकता है, बी भ्रूण हत्या जम्मू काश्मीर। जी यस सर, हाँ यस सर, यस सर, 889 ये 89 है। सी नंबर सिक्किम, ये होता सिक्किम का कितना है जानते हो, 890। जिसको पढ़ना होगा ना, वो जिसको सही में एंट्रेंस निकालना है वो कहीं भी, मेरा ही नहीं कि 58,000 59,000 सब्सक्राइबर है तो आएगा, जिसका 4,000 भी सब्सक्राइबर रहेगा ना उसको सही में लगेगा कि एंट्रेंस निकालना है, तो पागल की तरह 350-500 की 800 रुपया देगा, जिसका 4,000 भी सब्सक्राइबर रहेगा, जिसको जुनून होगा वो पैसा कभी नहीं देखेगा कि सामने वाला चैनल क्या है, उसको लगेगा नहीं हमको पढ़ना है। हम पीडीएफ लेते हैं तो हम आपका पीडीएफ देख के इसमें एडमिशन लिए थे सर। क्या सर थोड़ा बैक कीजिए सर, पिछला साल का बताइए सिक्किम का, बैक कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट नहीं लिए सर, ले लीजिए ले लीजिए। तो ठीक है सर, वो कहीं भी पढ़ेगा हो गया अच्छे से। हम बताया ना कि हम बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो हम पीडीएफ लेते हैं। टेलीग्राम पे ऐसा ऐसा चैनल रहता है, मेरा तो आप चेहरा देखे ना, उसका कुछ नहीं रहता है, सिर्फ टेलीग्राम पे रहता है। इंस्टा मोजो आप लोग अभी भी लोग नहीं हुआ सर, 300 नहीं हुआ सर, आप ही स्क्रीनशॉट कर कर पीडीएफ बनाकर भेज दीजिएगा, मतलब सब काम हम ही करेंगे ठीक रहेगा इसे स्क्रीनशॉट। हां ठीक रहेगा, शादियों के बाद लिख लो। लिंगानुपात लिख लिया सर, लिख लिया। तो यार सब काम मेरे से मत करवाओ यार। इंस्टा मोजो का नाम सुने हो, जहाँ से पेमेंट होता है, तो इंस्टा मोजो पे हम जानते भी नहीं है, फिर भी हम पीडीएफ का पैसा पहले दे देते हैं, अच्छा खासा, हम तो 500-500 रुपए का पीडीएफ लिए, और नहीं पता है कि सामने वाला कौन है, कौन दे रहा। अब कहाँ तक थे, एक न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम लिंगानुपात। चलो एक आपका लिखो नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कम है, तो यदि आ जाएगा तो कल को गाली ना दो, गाली ना दो मेरे को, इसलिए लिखवा देते हैं। यहाँ और क्लास आपको हम लगवाएंगे अच्छे से, थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा क्लास हम लगाएंगे, और क्लास नहीं थोड़ा सा इधर कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल में मेरा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम है अप्रैल में, तो एग्ज़ाम दे देंगे, क्योंकि चोरी तो चलती नहीं है, आज सेंटअप दे के आए हैं, हिलने भी नहीं दिया, जबकि कॉलेज में एग्ज़ाम था, बीएन कॉलेज में एग्ज़ाम था, सेंटअप एग्ज़ाम कॉलेज में ही दिए, फिर भी हिलने नहीं दिया एग्ज़ाम में, और दो दिन पहले बोला कि सेंटअप एग्ज़ाम लेंगे, दो दिन पहले बोला सेंटअप ले लेंगे, कोई पता आता नहीं। अभी तो थर्ड ईयर में एडमिशन लिए कुछ दिन पहले, 3,000 का पेमेंट किए हैं, दो दिन पहले, तीन दिन पहले हम पेमेंट किए हैं, मतलब कब, दो तीन दिन है, 14 को, और 16 को बोल दिया कि परीक्षा फॉर्म भरो, थर्ड ईयर में एडमिशन लिए 14 को, और 16 में बोला कि परीक्षा फॉर्म भरो जो हम लोग परीक्षा लेंगे, फिर परीक्षा फॉर्म भरे, फिर बोल दिया कि 25 को सेंटअप एग्ज़ाम लेंगे, 25 को सेंटअप एग्ज़ाम दिए, तुरंत बोल दिया कि 11 अप्रैल से आपका एग्ज़ाम है। तो ये पटरी पे लाने के लिए, पटना यूनिवर्सिटी का खासियत यही है कि आपका सेशन लेट नहीं होने देगा, पागल की तरह काम करेगा। यदि कल को भविष्य बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, हम तो यही चाहते, 350 रुपया रखे इसीलिए ना, कि पिछला बार आके यहाँ पे सिर्फ
सब लड़का बाजी लड़की बाजी करता था। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, यहाँ जो आएगा 350 देगा, पढ़वे करेगा। सर्वाधिक शिशु जो ये पूछता ना कि आप फ्रॉड है, वो सब पढ़े वाला ना रहता है। अरुणाचल प्रदेश, हम तो यहाँ तक बोलते हैं, उन लड़का को यहाँ तक बोले कि झूठ क्यों बोला कि सर हम पैसा दे दिए, तुम बोलता है तुमको फ्री में पढ़ा देते। अरे यहाँ पे 200 लड़का पढ़ेगा या 500 लड़का पढ़ेगा, मेरे पाप का जा रहा है रेंट की, बड़ा सा हमको हॉल खरीदना पड़ेगा कि हॉल में फिर व्हाइट बोर्ड बड़ा लगाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा बाउंसर पूछना है, 50 लड़का पढ़ रहा है ऐसे 50 लड़का और पढ़ेगा। पर यही सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात समझते हो, बच्चा बच्चा वाला लिंगानुपात कि कितना बच्चा जन्म लिया, कितना लड़का जन्म लिया, कितना लड़की जन्म लिया, उस वो लिंगानुपात। तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश का है ये दूसरा लिखवा देते हैं, पर ये याद मत करना, याद ना हो तो इतना दिमाग इसमें मत लगाना कि याद नहीं हो रहा है। वो जो मतलब सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनेगा। जो जहाँ से सवाल जो बनेगा ना, ये क्या औकात है यूनिवर्सिटी का, पता है ना मेरे को कि कहाँ तक ये सोच सकता है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात हरियाणा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, 834। ठीक है, अब हो गया यहां तक, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिए। बिहार का भी बता दीजिए ना, बिहार का, बिहार का डाटा नहीं है भाई, सब कुछ हम नहीं याद कर पाते हैं, या सब कुछ नहीं हम खोजते हैं, पर आप लोग बिहार का गूगल कर लेना, जो भी हम आपको लिखवाते हैं यदि हम बिहार का उसमें नहीं ऐड कर रहे हैं ना, तो आप बिहार दे के ऐसे करके खाली स्थान दे के गूगल करके ऐड कर लेना। हम खुद जैसे कि हम तैयार करते हैं खुद, हम पढ़ते पढ़ते फिर ना पढ़ाना आज क्या पढ़ाना है तो उसको देख लिया जाए, वो जब देखते हैं तो जल्दी जल्दी फिर। सर शिशु लिंगानुपात मतलब क्या होता है? सर लिंगानुपात जैसे हुआ ना तो सर ऑल, हम बता रहे हैं ऑल ओवर लिंगानुपात हुआ। एक शिशु होता है कि कितना लड़का शिशु जन्म लिया, लड़का शिशु से 6 वर्ष की आयु तक को शिशु लिंगानुपात के श्रेणी में रखते हैं सर। वाह वेरी गुड, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़े बढ़े, चलो आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम था, पर हम फोन जाके रख दिए बाहर। सर गूगल किए तो रूलर का और अर्बन का अलग अलग बता रहा है, ऑल ओवर कीजिए ना आप। लिखो अगला, हम जो जो आपको डाउट हो आप बोलिएगा, डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, हम बता देंगे। लिखो अगला, साक्षरता, साक्षरता में समझते हो पढ़ाई लिखाई सर? ये सर साक्षरता प्रतिशत मतलब जो साइन कर सकता है, जो सिग्नेचर कर सकता है। केरल होगा सबसे एक नंबर में, केरल, केरल, केरल। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य जो सिग्नेचर कर सकता है, एक नंबर में आपका आ गया केरल। केरल सर, केरल में 100 आदमी में ना 94 आदमी पढ़ लिख सकता है, सोचो। दूसरा आ गया मिजोरम, मिजोरम में 91.3 मतलब 91 आदमी पढ़ लिख सकता है। तीसरा आ गया गोवा, देखते सब समुद्र किनारे ही सब, जहाँ पहले इंग्लिश आया सब ब्रिटेन वाला सब आके लोग, जहाँ हम लोग बिहारी आदमी सबसे हिमालय के गोद की तरफ बसे हुए गंगा किनारे हम लोग की तरफ लेट से आया। अब देखो हम लोग का भी बढ़ रहा है, हम लोग पढ़ने पे ध्यान दे रहे हैं, इसके पहले भैंस चराते थे। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला राज्य उड़ीसा है क्या सर? ना जी, ये आपनो बिहार, बिहार है,
सर 68 होगा, 63 या 68 होगा। बिहार का मात्र 61.8%। दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश, उठो में रिकॉर्ड बना रहा है ना बिहार, ये बहुत बड़ी बात है। पर अब सुधर रहा है, बहुत तेजी में सुधर नीचे से, नीचे से अब बहुत तेजी में सुधर रहा है, ये बात नहीं है। अब देखना है अगला जब गिनती होगा ना, सब अब किसको टाइम है, सब पढ़ने लिखने में व्यस्त हो गया। अच्छा ये आप लोग बताओ, एक दो तीन अरुणाचल प्रदेश तीसरा नंबर पे आपका है, ये आपको पटना यूनिवर्सिटी के बारे में बताया कौन की एक पटना यूनिवर्सिटी है जहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद? मेरे दादा वहीं से किए थे। वाह, नहीं सर हम तो यूट्यूब पर देखे थे। यस सर, शौक था जो बिहार में मतलब अच्छा कॉलेज से करे, नंबर वन कॉलेज यही होता है शायद, बहुत नंबर वन है। नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, वशिष्ठ नारायण, आपकी आज तक वाली श्वेता शर्मा, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। सबसे बड़ा बात कौन है जानते हैं? सबसे बड़ा और कौन है जिसके बिना आईआईटी अधूरा, एससी वर्मा। यस सर, एससी वर्मा, फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स 11th क्लास का पढ़े होंगे, जब जेई का तैयारी मन में लगन होता है कि जेई करना है, इंजीनियर बनना है इंजीनियर, तो आप बुक जरूर लिए होंगे एक बार। हम भी जब सर, कृष्णा सिंह कोई प्रोफेसर का नाम है क्या पटना यूनिवर्सिटी में? क्या पता इतना बड़ा पटना यूनिवर्सिटी में, जब हम आए थे 11th में, जब 11th में 10th पास करके आए थे, एक मिनट सुन लो, जब 10th पास करके 11th में पटना आए पहली बार चकाचौंध में, तो सबसे पहले मन में था कि जेई निकालना है, आईआईटी करना है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई। फिर 5-6 महीना पढ़े पटना में, ऑर्गेनिक ओरिजिन मार्गदर्शन है, वहाँ के टीचर नीरज कुमार है, हाँ नीरज कुमार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। 5-6 महीना पढ़े, आधा 11th में सोचे कि चलो आईआईटी निकालेंगे, पर थोड़े आईआईटी बीटे मिल जाए कोई बात नहीं, तो इसका सपना देखे। जैसे ही 12 निकले ना, कहे आईआईटी नहीं होगा कोई बात नहीं, एनआईटी निकल जाए, एनआईटी पटने मिल जाए, अच्छा कॉलेज एनआईटी। और 12 के आधा मतलब एग्जाम से 2 महीना पढ़ते का सब कुछ छोड़ छाड़ के 5 महीना पहले सोचे कि 80% 12 में ले आएंगे तो बहुत बात है। और फिर 12 के लास्ट में क्या होगा कि पास भगवान 12 करवा दो तो आपको मिठाई चढ़ाएंगे, फिर भी मेरा 81% है 12 में, ऐसा हो जाता है। सपना आदमी लेकर आता है आईटी दिल्ली से लेकर 12 पास आउट पर रुक जाता है, यही बात हुआ था मेरे साथ भी। यहाँ आके मोह माया में फंस के पटना में, फिर हम सतर्क हो गए ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में यदि नहीं सतर्क हो गएगा कि पटना यूनिवर्सिटी बड़ा बर्बाद करके रख देगा आपको, फिर आप न रो सकते हैं न हंस सकते हैं, बहुत बर्बाद कर देगा आपको। कहाँ तक थे हम लोग सर? इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं सर जो बोले? इसका मतलब कहना चाहते हैं कि यहाँ पे आइएगा तो आपको पढ़ना होगा, कॉलेज करना होगा, कॉलेज में जाकर पढ़ना होगा, और नहीं तो जब फेल ही करने लगेगा तो 5-6 बार एग्जाम में बैठते रहिए, पास ही नहीं करेगा। 30 पेज आपको लिखना रहेगा, 30 से 32 पेज समय रहेगा आपके पास, 3 घंटा का समय रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन का जवाब, 6 क्वेश्चन का जवाब देना होता है लगता है, 5 आधा घंटा का, हाँ 5 क्वेश्चन का जवाब आपको देना पड़ेगा ग्रेजुएशन में। एक क्वेश्चन को आपको लिखना होगा 6 पेज में। अच्छा आप लोग का भी ब्राइटनेस कम गया क्या? नहीं सर, ठीक है सर, बैटरी से भर ऑन हो गया, तो इसलिए बहुत कस के मेहनत कीजिएगा आप लोग, बहुत कस के आइए, उसके बाद एकदम लग जाइए। इसमें एक फायदा है ना कि आपका जो बीपीएससी का सिलेबस है, बीपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है, वो आपका पटना यूनिवर्सिटी का सिलेबस है, ये पटना विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है वो आपका बीपीएससी का ऑप्शनल का सिलेबस है, सोचो। ये तो इसमें एक फायदा है कि बीपीएससी यदि आप पीयू से पढ़ते हो तो आपका बीपीएससी का ऑप्शनल का पेपर क्लियर हो जाएगा, यदि ये क्लियर हो गया तो आप एसडीएम बनने में थोड़ा सा आपको सहूलियत मिलेगा, और एसडीएम बन जाओगे तो बाकी एस्पिरेंट तो देखे ही हो,
चलो हम लोग कहाँ पे थे? यूपीएससी का तैयारी होता है क्या भाई जी? पटना में यूपीएससी का तैयारी होता है? भाई देखो यूपीएससी का पटना में नहीं होगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। चलो हम लोग कहाँ पे थे, कम वाला बता देना। न्यूनतम संरक्षित वाला राज्य लिखो वाला सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। अब साक्षरता में भी दो तरीका से आएगा कि पुरुष किसका ज्यादा पुरुष साक्षरता है, किसका ज्यादा महिला साक्षरता है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन है आपका? तो ये आपका मिजोरम। केरल। केरल भाई, केरल। केरल में पुरुष साक्षरता कितना जानते हो? 96%, मतलब चारे आदमी वहां नहीं पढ़ सकता है। मिजोरम दूसरा नंबर पे। ये सब में कंफ्यूज मत कीजिए, लाइफ में लाइफ टाइम आपका। इस बार बिहार दरोगा का एग्जाम में 2001 का सेंसेक्स पूछा था, 2001 का ये वाला जनगणना, 2001 का। 2021 चल रहा है, 2001 का जनगणना, नहीं तो 2011 से तो सब रट ही गया था। तीसरा पुरुष साक्षरता दर बता रहा था ना, तीसरा लिखो गोवा। गोवा 92.6%। लिखो न्यूनतम पुरुष साक्षरता। बाला राज सब क्लास में ही हो ना? हाँ सर, जैसा क्लास है ना, तो पुरुष वाला ही हो गया ना। बिहार न्यूनतम वो ऑल ओवर, इससे पहले जो बताए ऑल ओवर साक्षरता दर बताए थे महिला प्लस पुरुष मिलाकर, इसमें ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखवा दिए हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं है। केरल याद कर लेना, न्यूनतम सब पुरुष साक्षरता, बिहार याद कर लेना, बस नहीं जाएगा इसे। ये तो पहले पुरुष साक्षरता पूछेगा ही नहीं, सिर्फ साक्षरता पूछेगा। हम बता दिए, महिला वाला भी लिखा देते हैं। महिला वाला में सेम है, यहाँ भी पुरुष की जगह महिला काट दो, महिला कर दो, केरल मार दो, बिहार मार दो, बस। अब हो गया ना यहाँ तक, उसका परसेंटेज सेम रहेगा? नहीं नहीं जी, परसेंटेज कैसे सेम रहेगा? कहाँ महिला ने क्या बताया, महिला यहाँ 92.1% केरल का है मैक्सिमम। सर परसेंटेज पूछता है? नहीं पूछता है। चलिए आ जाइए। बिहार का सर्वाधिक रेशियो? नहीं मालूम है भाई, बिहार का सर्च कर लीजिएगा। हम नहीं किए, हम दिमाग ही में नहीं आया कि बिहार का सर्च करते चले जाए। बिहार का बताए तो यार कंफ्यूज कर देता है मेरे को। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का बताए तो महिला का ही बता ही दिए। ये बिहार का 51.5%, 51.5% बताए तो महिला वाला, महिला का 51.5% महिला का। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य लिखो। HP 90%। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश लिखिएगा। दूसरा बिहार इम्पोर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन ग्रामीण जनसंख्या में बिहार का कौन सा स्थान है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। ग्रामीण जनसंख्या में बिहार का स्थान कौन सा है, प्रथम दूसरा तीसरा चौथा दूसरा, ऐसा क्वेश्चन आएगा। 88.7%। सर एक बार फिर से बोलिए तो क्या अभी बोले?
क्वेश्चन बताए कि कैसे पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या बिहार का ग्रामीण जनसंख्या में कौन सा स्थान है। बिहार का ग्रामीण जनसंख्या में कौन सा, तो बिहार का दूसरा स्थान है ये, दूसरा ये दो नहीं लिखे, दूसरा स्थान ये लिखे हैं। अब लिखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, लिखिए इसका पहला नंबर गोवा, गोवा। दूसरा लिखिए मिजोरम, तीसरा लिखिए तमिलनाडु। ठीक है, इतना कीजिए आज क्लियर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर इसका कट ऑफ कितना रहेगा सर, इस कंपटीशन का, यही कंपटीशन जो होगा सर। सर इस कंपटीशन में आपका कट ऑफ कम से कम आप टारगेट कीजिए कि 60+ लाना ही लाना है, मिनिमम मिनिमम सर। अजय पटना साइंस कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं वो 70+ का टारगेट लेके चलना है। और बीबीए वाला सर, बीबीए वाला का भी वही सेम चलता है।